जल्दी बता ए जादूगरनी मरेखा, जल्दी बता मैं क्या करूं। सब घर वाले दरवाजे के बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने कपड़े बदलने के बहाने अंदर से दरवाजा बंद कर रखा है। मुझे उनके साथ अकरम के घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैं आमिल कामिल के इलाके में चली गई तो दख्तर आमिल आबिदा मुझे गिरफ्तार कर लेगी, सब राज खुल जाएगा, फिर तेरा और मेरा इंतकाम अधूरा रह जाएगा। फिर मुझ बदरूह डाइन के साथ वो तुझे भी जलाकर राख कर देगी। मुझे यहाँ फंसा हुआ देखकर तू हंस रही है, बेपरवाह जलील कमीनी मतलबी जादूगरनी। याद रख ए जादूगरनी मरखा, याद रख मैं भी जादूगर शहजादी शरारा गुल के साथ साथ बदरू डाइन भी हूँ। मैं तुझे भी खा जाऊंगी। अगर मेरा 21वां शौहर जिशान शादी की रात ही मर चुका होता तो मुझमें 21 मरे हुए शौहरों के रूहों की जादुई ताकत आ जाती, फिर मैं तेरी मोहताज नहीं होती। जल्दी कर, अब जल्दी कर। सब्र कर। ऐसी हालत में सब्र के बाद कब्र है। मेरा राज खुल जाएगा तो मैं मारी जाऊंगी। जल्दी से कोई रास्ता बता, देर न कर, बाहर वो लोग खड़े हुए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी कर, अब जल्दी कर। क्या हुआ, तुम लोगों ने कपड़े नहीं बदले? अरे भाई किसका इंतजार हो रहा है? जाकर अपनी बहू बेगम से पूछिए जो हमें जानबूझकर परेशान करने के लिए देर कर रही है। जीशान, तुम्हारी बीवी ने हमें परेशान कर रखा है। वाकई तुम अपनी बीवी के हुस्न के गुलाम हो गए हो, उसे कुछ कहते नहीं? इसमें गुलामी की कोई बात नहीं अबूजान, वो किसी छोटे से मकान की रहने वाली तो है नहीं। अरे गुर्जिस्तान की शहजादी है और शहजादियां नाजुक मिजाज और आराम पसंद होती हैं। अब वो लिबास बदलने में इतनी देर कर रही है तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं। भाभी जान को उनकी मौत का कोई गम नहीं है? हाँ भाईजान, भाभी जान को इतना तो सोचना चाहिए कि हम मरहूम अकरम भाईजान के घर जा रहे हैं। मख्तूल अकरम के घर जरूर जाओगी मगर तुम नहीं, तुम्हारा पैकर जाएगा, नकली सोफोर निस्बा जाएगी, बहुत तुम्हारी शक्ल चाल ढाल वाली हसीन सोफो निस्बा जाएगी। शीजा के साथ हाजिर हो, ताक जिन तबाक जिन हाजिर हो। तबाक जिन हाजिर है, ऐ साहिरा मरिखा ये ले पाक रूह और पाक जिस्म वाली दोशीजा। पाक जिन भी हाजिर है, हुक्म दे साहिरा मरीखा। हुक्म है, ठहरो।
करे सोफो निस्बा को, इस नकली सोफो निस्बा को असली सोफो निस्बा की ख्वाबगाह में ले जाओ। जब ये नकली सोफो निस्बा चली जाए तो असली सोफो निस्बा को पुराने महल में ले जाकर छुपा दो और उसकी हिफाजत करो। जाओ, हुक्म की तामील करो। हुक्म की तामील होगी ऐ साहिरा मरीखा। बात पर हूँ मैं भाईजान कि सोफो निस्बा तो निहायती पाक साफ है,
उसके जिस्म में कोई बदरू नहीं है, उसका जिस्म भी पाक है। मैंने अपने इल्म की शुआओं से उसकी रूह को पहचान लिया है। इसका मतलब है जिशान सच कहते थे कि सोफो निजवा तो जन्नत की हूर है, और मैं गलत कहती थी कि वो डायन है, बदरू है। या अल्लाह, ये कैसे गलत फहमी हो गई? जिशान मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सौतन बनकर पाक दामन सोफो निजवा पर अपनी जलन हसद का कीचड़ उछाल रही हूँ। लेकिन बहन आबिदा, तुम्हारे इल्म के शुआओं ने देखा कि वो सही है और सोफो निजवा का जिस्म शैतानी नहीं है, इंसानी है। तो फिर तुम्हारे मुखबिर ने ये कैसे इत्तला दी कि सोफो निजवा बदरू डाइन है और उसे शराला गुल का जिस्म मिल गया है? मैं भी हैरान हूँ और शर्मिंदा हूँ ऐ दुख्तर हामिल आबिदा, कि मेरी इत्तला खबर गलत कैसे हो गई। कोहिस्तान किले की शरारा गुल शहजादी जादूगरनी से लेकर जादूगरनी मरीखा के तहखाने तक की मालूमात मैंने और मेरे मुखबिर गुलाम जिन्नातों ने खुद की है, फिर इतनी बड़ी गलती गलतफहमी कैसे हो सकती है? तुमने जो गलत मालूमात हमें दी है उसकी सजा तो हम भुगतेंगे। शायद किसी गलत फहमी की वजह से महरूम अकरम भी सोफो निजबा को बदरू और डाइन समझ बैठे, और मैंने तो सोफो निजबा की शान में कितनी गुस्ताखियां कर डाली। अब तो जब तक मैं जिशान से मुआफी नहीं मांग लेती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। मुआफी की कोई जरूरत नहीं आबिदा, गलतियां इंसान से ही होती हैं, और गलत फहमी कैसे इंसान को इंसान से दूर कर देती है ये आज पता चला ना तुम्हें? जिशान, मैं एक बार फिर तुमसे मुआफी चाहती हूँ, और सोफो निजबा से भी। तुम भी मुझे माफ कर दो सोफो निजबा, तुम्हारे बारे में मैं गलत समझती रही। जिशान, वाकई सच कहते थे, तुम तो जन्नत की हूर हो, पाकीज़ा हो, खूबसूरत हो। आबिदा, ये इनकी मोहब्बत है जो मैं ऐसी नजर आती हूँ, वरना मैं क्या हूँ मैं जानती हूँ। आबिदा, ये मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि कभी कभी तो मैं डरती हूँ कि कहीं इनकी मोहब्बत मुझे पागल न बना दे। जो लोग मोहब्बत में पागल होकर भी होश में रहते हैं वो बहुत खुशनसीब होते हैं। आबिदा, खुश नसीब तो तुम भी हो, इतना ही प्यार, इतनी ही मोहब्बत वो तुमसे भी करते हैं। शादी तो तुमसे ही होने वाली थी। मैं तो खामखा यूं ही बीच में चपक पड़ी। आबिदा, इसीलिए मैं तुमसे मुआफी चाहती हूँ, अल्लाह के लिए मुझे मुआफ कर दो। वाह, इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, बस औरतों में यही एक खास बात होती है, बहुत जल्दी घुल मिल जाती हैं। ये तावीज़ कैसा है तुम्हारे हाथों में? ये तावीज़ आपके तकिये के नीचे रखा हुआ था, कैसा है ये तावीज़? ओह, ये तावीज़ आबिदा के वालिदे बुजुर्गवार अमीन साहब का दिया हुआ रूहानी तोहफा है, इंसान को हर बला से महफूज रखता है। इसे मेरे तकिये के नीचे ही रख देना, सफर पर जाऊंगा तो पहन लूंगा। अफसोस, मैंने सोफो निजवा को कितना गलत समझा। अगर ये नापाक रूह होती तो इस पाक तावीज को हाथ लगाती ही उसके हाथ जलने लगते। क्या सोच रही हो आबिदा? कुछ नहीं, बस घर जाने की सोच रही हूँ। अगर सोच लो तो ये घर भी तुम्हारा हो सकता है, एक दिन मेरे खत का जवाब बनकर दुल्हन की शक्ल में इस घर में आ जाओ। अच्छा, मैं चलती हूँ। एक शर्त पर, फिर जल्दी आना मिलने के लिए। अगर मैं ना आई तो फिर तुम मेरे घर आ जाना, मैं अपने अब्बा जान, अम्मी जान और भाई जान से मिलाऊंगी। सोफो, इनके भाई जान
तोता है। अच्छा सफोनिज़्बा, मैं चलती हूँ। जो कुछ तुमने सफोनिज़्बा के बारे में सुनाया सुनकर बहुत दुख और अफसोस हुआ, और ताज्जुब की बात तो यह है कि आज तक हमने सफोनिज़्बा को देखा ही नहीं था। और मुझे तो इस बात पर ताज्जुब है अब्बा जान कि इंसान तो इंसान, क्या जिन्नात भी इंसानों की तरह गलतियां कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते। बेअब तो बेटी सिर्फ खुदा की जात है, इंसान हैवान और जिन्नात ये सब गलतियों के पुतले होते हैं। मैं अपने मुखबिर जिन से इस कदर नाराज हूं कि मैं अब उसे कभी नहीं बुलाऊंगा। याद है तुम्हें उसने क्या क्या कहा था? हमें और तुम्हें कोहिस्तान की जादूगर शरारा गुल, बदरू डायन और जादूगरनी मरीखा का अजीबो गरीब जादू, क्या क्या कहा था? देखा मेरे अजीबो गरीब जादू का कमाल, इतना बड़ा आमिले कामिल मेरे धोखे के जाल में फंस गया, इतनी बड़ी आमिला आबिदा मेरे जादू की साजिश का शिकार होकर जिशान से माफी मांगने चली गई। सफोनिज़्बा जिससे नफरत करती थी उस सौतन को उसने गले लगा लिया, और असली सफोनिज़्बा बदरूह डायन अपनी डायन चुड़ैल सहेलियों के साथ पुराने जंगल में है, और नकली सफोनिज़्बा जिशान के घर में अपनी शराफत और खिदमत से सबका दिल जीत रही है। और जब वो नकली सफोनिज़्बा चली जाएगी और तू उसकी जगह वहां आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सबको मार डालेगी, सबको मार डालेगी, किसी को कोई शको शुभा नहीं होगा, और इस तरह हम कामयाब होंगे। यही हमारी कामयाबी होगी, मौका मिलते ही आमिल और उसकी बेटी को खत्म कर डालेंगे, और इस तरह पूरा होगा हमारा इंतकाम, इस तरह हम कामयाब होंगे। इस तरह जादूगरनी मरीखा, आज तक मैं तेरी वजह से ही कामयाब रही हूँ। मैं तुझ से, तेरे जादू से, तेरी साजिश से बहुत खुश हूँ, लेकिन अभी तक मैं अपने 21वें शौहर जीशान को नहीं मार पाई। ना 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 जल्दबाजी ना कर, वरना मारी जाएगी। पहले तुझे जीशान के माँ बाप, फिर उसके बहन भाई इमरान और मासूमा का खून पीना होगा, और फिर उसके बाद तू जीशान को मार सकेगी। रात हो गई है और मैं अपना शिकार तलाश करने के लिए जा रही हूँ। रुक जाओ ए मुसाफिर, रुक जाओ। क्या बात है, कौन है आप? जिशान, सफोनिज़्बा, तुम यहां? रुक जाओ, रुक जाओ सोफो।
क्या शिकार मिल गया? खाने पीने का इंतजाम हो गया? नहीं, आज जो शिकार मुझे मिला वो मेरा शौहर जीशान था, जिसे मैं शादी की रात नहीं मार सकी। तो आप मार दो। नहीं मार सकती, उसे मारने के लिए फूलों की सेज होनी चाहिए, और वो फूल मेरे मुंह की चिंगारियों से पैदा होने चाहिए। फिर मैं उसके सीने पर अपना सर रखूं और नागिन बन जाऊं, तो उसे अपने जहर से मार सकती हूं। और उसके पास उसके बिस्तर पर तकिए के नीचे अल्लाह के पाक कलाम का तावीज भी है। जब वो सफर पर होता है तो वो तावीज उसके पास होता है। तो क्या आज भी वो तावीज तेरे शौहर के पास होगा? हाँ, जरूर होगा। ये वही तावीज है जिसकी वजह से उस रात अकरम बच गया था। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी आज तुम्हारे साथ मारे जाएं और वो कहीं यहाँ ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतनी तेज रफ्तार से भागी थी कि उसकी नजरों से गायब हो गई। अब वो यहाँ नहीं पहुँच सकता। सोफो,